नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सागर लोकायुक्त ने सागर के ही एक हल्का पटवारी को सरेआम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक सागर राजस्व के हल्का नंबर 87 के पटवारी शैलेंद्र सगवार को रंगे हाथों उस समय पकड़ा गया जब वह हाट लिधौरा के किसान भूपेंद्र लोधी के पैतृक संपत्ति बंटवारे के सीमांकन प्रकरण के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। लोकायुक्त टीम ने फरियादी की शिकायत पर उसके सत्यापन के बाद सुबह ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देते हुए पटवारी के मोती नगर स्थित आवास पर दबिश देकर उसे रंगे हाथों रिश्वत के रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। शिकायत की थी आपके लोकायुक्त ने पटवारी की सीमा। कौन है पटवारी? शैलेंद्र सब। क्या कितनी डिमांड कर रहे थे, किस चीज के लिए कर रहे थे? डिमांड तो उनकी पटवारी की है 30,000। 15 आज दे चुके हैं और सीमांकन के दे चुके थे पहले। शिकायत की थी आपने? हम बहुत परेशान हैं। ये आपका जो मामला है पटवारी का सीमांकन का, ये कब से लंबित रखे थे? साहब एक साल। ठीक है, एक साल। पटवारी के संबंध में 3 तारीख को आवेदक भूपेंद्र लोधी द्वारा शिकायत की गई थी। उनकी पैतृक भूमि का बंटवारा और सीमांकन होना था, जिसके संबंध में जो है पटवारी जो है 30,000 की रिश्वत की मांग कर रहे थे और जिसको हमने रजिस्ट किया, सही पाया गया और आज हमने उन्हें 15,000 की रिश्वत लेते हुए उनके घर से उनको पकड़ा है।